नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही थमती नजर आ रही है, लेकिन रेलवे अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। कोरोना काल में सभी लोग जहां रेल का सफर करने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, तो वहीं अब रेलवे इन सब का तोड़ लेकर आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रेलवे लगातार खुद को मुस्तैद कर रहा है। इस कड़ी में LHB कोच को कोरोना सेंसिटिव बनाने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि इन खास कोच में प्लाज्मा एयर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलाने वाला वायरस महज चंद सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। इन खास कोच में प्लाज्मा एयर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये जानकारी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि इस खास कोच को सबसे पहले शाने भोपाल एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जुलाई तक रेलवे को एक AC श्रेणी का कोच मिल जाएगा। इस कोच में गेट के हैंडल पर कॉपर कोटिंग होगी, वहीं ह्यूमन टच को कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी। कोच के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की परत रहेगी, जिस पर कोरोना जीवित नहीं रहता। वहीं टॉयलेट के नल, सोप डिस्पेंसर आदि को टच लेस बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये खास कोच AC के साथ साथ नॉन AC श्रेणी में भी बनाए जाएंगे। निशातपुर स्थित फैक्ट्री में प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ LHB कोच के मेंटेनेंस के समय उनमें कोरोना सेंसिटिव बनाने वाली व्यवस्थाएं की जा सकती है। इसके लिए रेल मंत्रालय से जल्द ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। एक तरफ जहां सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं अब रेलवे की इस पहल से कोरोना का खतरा कम होने की उम्मीद है। रेलवे के इस खास कोरोना सेंसिटिव कोच से ट्रेन में एंट्री करते ही कोरोना वायरस का दम निकल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।